कटिहार के इमली गाछ के समीप पेट्रोल पंप मालिक और कर्मी के साथ जो चौधरी मोहल्ला के समीप लूटकांड की वारदात को बताई जा रही थी, अब इस मामले में डीएसपी प्रभारी में जो है उनका बयान आया है सामने। उन्होंने कहा है कि ये बयान जो मामलात हुए हैं बीते रात्रि को, ये मामलात लूटकांड के जैसा नहीं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो जाँच के संबंध सामने आई है वो उन्होंने कहा कि ये मामला जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। हालाँकि क्या कुछ कह रहे हैं प्रभारी डीएसपी, आइए सीधे सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। जो जाँच के अनुसंधान में है राजीव कुमार जो है पेट्रोल पंप से 9:30 बजे रात्रि में अपना आ रहे थे और घर के पास जब आए तो घर के पास ही उनके पड़ोसी के द्वारा जो उनके पड़ोसी हैं पुकार यादव और सोनू यादव दोनों उनको लाठी डंडा से मारपीट करते हैं जिससे वो जख्मी हो गए। ठीक है, जख्मी होने के क्रम में उनके द्वारा ये भी बताया कि मेरे बैग में रखा हुआ पैसा 2.5 लाख रुपया भी ले लिया है। इस संबंध में जो है अस्पताल में उनका फर्द बयान लिया गया, फर्द बयान के आधार पर टाउन थाना में केस दर्ज की गई है। केस कांड अनुसंधान अंतर्गत है, अनुसंधान में जो कुछ बिंदु आई है कि इनके द्वारा और जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरा पैसा ले लिए हैं, उनके द्वारा पूर्व से ही जमीनी संबंधी विवाद चल रहा है। मूल रूप से जो है बादी के द्वारा जो है 4 फीट मेन रोड से लेके 45 फीट जो है रास्ता दिया गया था, उसी रास्ता को ये उनको चलने नहीं दे रहा था, इसी बात को लेकर दोनों के बीच मारपीट की घटना घटी है। लेकिन जहाँ तक ये लूट वाली बात आ रही है वो बात जो है एकदम बिल्कुल निराधार है, सिर्फ जो है ये एक दूसरे के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की घटना घटी है। क्या इसको लेकर पहले भी थाने में कुछ मामले? हाँ, इस संबंध में पहले भी दोनों पक्ष जो है थाने में आए थे। जैसा कि हम लोगों ने अभी पूछताछ किए हैं तो पता चला है कि यह जमीन संबंधी वही 4 फीट और 45 फीट रास्ते को लेकर हुआ है।